Taking photographs of random people's feet with a cheap digital camera will definitely make your artistic growth more evident. If luck and Gandhi Parivar is on your side, you may be nominated as MP in Rajya Sabha for your artistic endeavors. Incontinence is not the only health issue with the UPA 2 government. Jai Hind. विश्वास नहीं हो रहा है कि IPL खत्म हो चुका है, पर मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है एंड आई रियली डोंट थिंक कि किसी की भी लाइफ में कोई फर्क पड़ा होगा एक्सेप्ट शाहरुख खान की. फाइनली ही सॉ सम सक्सेस इन सम फॉर्म. आज हम बॉलीवुड पे बहुत बात करेंगे लेकिन शाहरुख पर नहीं करेंगे. आज हमारे साथ है हमारी एक फेवरेट पूनम पांडे की तरह ही. इन पर भी मैंने चख चख कर जोक्स मारे हैं एंड शी इज हियर विद अस टुडे वीना मलिक. यस वीना कंप्लीट्स आवर सुपर हॉट लाइनअप फॉर द डे. लेट मी मूव ऑन टू सम सीरियस टॉपिक. राम गोपाल वर्मा और संजय दत्त के बीच डिपार्टमेंट के फ्लॉप होने के बाद थोड़ी डी फार्टमेंट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, उनके बीच में प्रॉब्लम हुई और अब वो वापस दोस्त हो गए. एंड एज आई सेड दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक. वो सारे न्यूज रिपोर्टर्स पर सीरियसली एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इसे न्यूज बनाकर छापा, और नहीं तो क्या. लेकिन एपिसोड के स्टार्ट में ही मैं यू नो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहता. ओके, लेट मी मूव टूवर्ड्स सम सीरियसली फनी टॉपिक. सोनू निगम को एक लड़की ने स्टॉक किया. सोनू प्लीज डोंट गेट फ्लैटर्ड, शी वॉज अ लेस्बो. उसने आपको पीछे से देखा एंड शी फाउंड यू हॉट. पहले ऐसे अक्सर शिरीष कुंदर के साथ होता था. वैसे शिरीष कुंदर और सोनू निगम आर वेरी थिक फ्रेंड्स, बम चम्स. इफ दे एवर चेंज देयर सेक्सुअल प्रेफरेंस देन वी विल हैव अनदर क्रिएटिव लेस्बियन कपल इन दिस फिल्म इंडस्ट्री. विद्या बालन ने कहा है कि शी वॉज बॉर्न टू वेयर सारीज. That's the whole purpose of her life. All she ever wants to achieve is wear a sari. Wow. भगवान ने जब विद्या बालन को बनाया होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि विद्या जाओ धरती पर जाओ और साड़ी पहनो, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद होगा. यह खबर सुनने के बाद ऑल इंडिया साड़ी एसोसिएशन वालों ने सोचा होगा कि जो साड़ी बिकी नहीं है, जिन जिन साड़ियों को कोई भी पहनना नहीं चाहता, वो सारी साड़ियाँ पहनने के लिए विद्या बालन को बुलाओ. जैसे जब भी इंसान प्रॉब्लम में होता है तो सुपर हीरो आता है, ठीक वैसे ही जो साड़ियाँ किसी ने नहीं पहनी उसके लिए विद्या आएगी और साड़ी पहन लेगी. और विद्या के इस स्टेटमेंट ने जन्म दिया है हमारे नए टॉप 5 को. जी हाँ, टॉप थिंग्स जिनके लिए हमारे सेलिब्रिटीज का जन्म हुआ है. नंबर 5, अनुराग कश्यप का जन्म सिर्फ फेस्टिवल फिल्म बनाने के लिए हुआ है. नंबर 4, ममता बैनर्जी का जन्म हुआ है माओइस्ट माओइस्ट चिल्लाने के लिए. नंबर 3, राहुल गांधी का जन्म हुआ है गांधी परिवार के डाउनफॉल का रीजन बनने के लिए. नंबर 2, अब तक हमें लगता था कि तुषार कपूर का जन्म एकता कपूर की होम प्रोडक्शन में हीरो बनने के लिए हुआ था, पर एक्चुअली तुषार का जन्म हुआ है कप कोन ब्रा की मॉडलिंग करने के लिए. नंबर 1, पर BCCI के चीफ श्रीनिवासन, उनका जन्म हुआ है अपने 40 साल के गे बेटे को उसके गे बॉयफ्रेंड से दूर रखने के लिए. यस, BCCI चीफ श्रीनिवासन का बेटा गे है और उसकी होमोसेक्सुअलिटी को दूर करने के लिए श्रीनिवासन रोज अपने बेटे को भाड़े के गुंडों से पिटवाते हैं. श्रीनिवास जी, पहली बात इस क्या है कि उसे मारकर आप उसकी होमोसेक्सुअलिटी दूर नहीं कर सकते. मैं नहीं मानता कि होमोसेक्सुअल होना कोई बुरी बात है, पर अगर आप बेटे को सुधार नहीं चाहते तो आमिर खान के पास छोड़ा है. आमिर खान कुछ भी सुधार सकता है. अब जब आमिर समाज सुधारने में लगे हैं तो एक एपिसोड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चोर राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर भी होना चाहिए.
जो हॉलीवुड से चोरी कर करके फिल्में बनाते हैं। ऐसी चोरी भी समाज के लिए बहुत बुरी बात है। सुमित, क्रिएटिव चोरी चोरी नहीं होती, वो जादू होता है, जादू। होल्ड ऑन टू द थॉट आमिर, ही इज एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू द थॉट। वी विल टेक अ ब्रेक एंड कम बैक टू रिसीव एनलाइटनमेंट फ्रॉम यू, रादर फ्रॉम हिम, और बाद में वीणा मलिक से एक हॉट बात। क्रिएटिव चोरी चोरी नहीं होती, वो जादू होता है, जादू। हाँ, वो ब्रेक पे जाने से पहले सुन चुके हम, लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? सुमित, मैं आमिर खान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ राइट, मैं ये कह रहा था, कहानी चुराना, सॉन्ग चुराना, चुराना नहीं होता, वो जादू होता है, जादू, यू नो। चुराना किसे कहते हैं? जब आपके पास कोई चीज़ हो वो मेरे पास आ जाए, करेक्ट? लेकिन जब हम हॉलीवुड से फिल्म या म्यूजिक चुराते हैं तो ओरिजिनल क्रिएटर के पास वो चीज रहती है। हुआ ना जादू, राइट? करेक्ट। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और अब तक मैंने आपको टीवी और फिल्म के पर्दे पर ही देखा है। And I would like to prefer watching you on screen only. Oh really? हाँ, अब आप जादू से यहाँ से गायब हो सकते हैं, हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको सत्यमेव जयते के इस नंबर 556578 पर थोड़ा डोनेशन करना होगा, डोनेशन, you know? जैसे ही वो SMS डिलीवर होगा मैं जादू से गायब हो जाऊँगा। मैं अभी कैश दे देता हूँ ना भाई। नहीं 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 नहीं, डोंट ब्रेक द सिस्टम प्लीज। SMS करो, SMS। ये सेलफोन, आप यू आर होल्डिंग इट रॉन्ग, गलत हाथ में पकड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूँ कैसे टाइप करते हैं। आई शो यू, ये ऐसे। जब तक आमिर टाइप कर रहे हैं तब तक आप एक ब्रेक ले लीजिए एंड कम बैक, बिकॉज ब्रेक के बाद शिरीष कुंदर बताएंगे व्हाई ही सीज डम पीपल। यस, हाउ डम इज दैट। बजाओ बजाओ। वेट, शिरीष कुंदर के नाम पे ब्रेक लूंगा तो कोई वापस नहीं आएगा, ये जोक कंप्लीट कर ही लेता हूँ। शिरीष कुंदर फराह खान के थप्पड़ खाऊ हस्बैंड है, हाँ, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि आई सी डम्ब पीपल, और उसके जवाब में बॉलीवुड गांडू नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है स्टॉप लुकिंग इन टू द मिरर। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉलीवुड गांडू से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिस आदमी का शाहरुख खान और संजय दत्त ने गैंग बैंग कर दिया हो, उस आदमी को छेड़ने के लिए आप उसके बम पर पिंच करोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉलीवुड गांडू, प्लीज शिरीष कुंदर डम है ये प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो आदमी ट्विटर पर पानीपुरी वाले के पिक्चर्स लगा सकता है वो सर्टिफाइड चूतिया है। जी, शिरीष कुंदर ने किसी पानीपुरी के ठेले पर पानीपुरी खाते वक्त उस पानीपुरी वाले की फोटो क्लिक करके ट्विटर पर पोस्ट की। रियली? हाँ, आया आया। और फिर उस पानीपुरी वाले ने कहा सर मेरे फोटो देख कर प्लीज मुठ मत मारना। Oh, brilliant. हाँ, नहीं तो रात भर मुझे जो है वो हिचकी आती रहेगी। हिचकी? हाँ, मूठ एंड हिचकी। मूठ एंड हिचकी। Brilliant, very nice, very nice. वैसे शिरीष कुंदर से याद आया, हमें बहुत सारे फैन मेल्स मिले और उन सब की एक शिकायत है कि हमारे शो में हम उन सेलिब्रिटीज पर जोक मारते हैं जिन्हें भाई बात करना यार कितना मैसेज भेजेगा, जिन्हें जिन्हें लोग पहचानते नहीं है। एंड आई एग्री विद यू, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल सेलिब्रिटी मीटर पैनल बनाया है। यस,
ये वो लोग हैं जो सेलिब्रिटी रिव्यू करते हैं, लेकिन इसे इनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। भाई बजा अभी बजा। हमें बहुत सारे फैन मेल्स मिले हैं और उन सब की एक ही शिकायत है कि हमारे शो में मैं उन सेलिब्रिटीज पर जोक मारता हूं जिन्हें लोग ज़्यादातर पहचानते ही नहीं हैं। एंड आई एग्री विथ यू। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल सेलिब्रिटी मीटअप पैनल बनाया है। ये वो लोग हैं जो सेलिब्रिटी रिव्यू करते हैं। प्लीज वेलकम सुबोध सक्सेना। हेलो, मैं हूँ सुबोध सक्सेना। मैं एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर हूँ और मेरा खिंचाव अक्सर सेलिब्रिटी पर्सनालिटी की तरफ होता है। मेरा एक अपना ब्लॉग भी है जहाँ मैं सेलिब्रिटी रिव्यू करता हूँ। इट्स कॉल्ड ब्लॉगस्पॉट सेलिब्रिटी रिव्यू। और मेरा ट्विटर हैंडल है सेलिब्रिटी तेरी माँ चुदी। वेरी गुड, सेलिब्रिटी तेरी माँ चुदी। और अब हम आपको मिलवाएंगे एक और सेलिब्रिटी रिव्यूअर और सेलिब्रिटी ऑप्टिमम यूसेज कंपनी के सीईओ जॉय मुलाणी। गुड इवनिंग एवरीवन। जॉय, जॉय सुबोध, मैं अब आप लोगों के सामने कुछ नाम लूंगा, आप बताइएगा कि क्या उन्हें सेलिब्रिटी कह सकते हैं या नहीं। पहला नाम साजिद खान। साजिद खान, उनको आप माइल्ड सेलिब्रिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साजिद खान खाने के बाद के मुखवास जैसे हैं, हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें 0.3 स्टार्स दूंगा। जॉय, साजिद खान डेफिनेटली सेलिब्रिटी। एक तो वो फराह खान के भाई हैं और मनमोहन देसाई जी के इकलौते फैन। यह अलग बात है कि इस बात का स्वर्गवासी मनमोहन देसाई जी को बहुत दुख होगा कि उनका हार्डकोर फैन हे बेबी और हाउसफुल जैसी फिल्में बनाता है। पर ऐसे सेलिब्रिटीज समाज में होने चाहिए। साजिद खान को देखकर हर माइंडली इंटेलिजेंट इंसान को अपनी इंटेलिजेंस पर प्राउड फील होता है। He starts thinking he's Albert Einstein. साजिद खान जैसे सेलिब्रिटी को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं? साजिद खान के बहुत यूज हैं। बच्चों को डराने के लिए हम उनका उपयोग जरूर कर सकते हैं। I mean, have you seen his hairstyle now? His hair and everything's hanging. It's just messed up, you know. फिल्म स्कूल में बिल्कुल उनके लेक्चर अरेंज करवा सकते हैं और उससे इस बात का उदाहरण मिलेगा कि एक थर्ड क्लास डायरेक्टर ऐसी बातें करता है। अगर कल को कोई एलियन हमारी अर्थ पर अटैक करके कहे कि उन्हें खाने में एक इंसान चाहिए, तो साजिद खान को ऑफर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ही विल बी अ वेरी वैल्यूएबल एसेट, व्हाट विद ऑल द फैट। डू यू थिंक वी कैन मेक जोक्स ऑन हिम? इन फैक्ट हिज होल फैमिली इज क्वाइट कैपेबल ऑफ दैट। हिज ब्रदर इन लॉ गेट्स स्लैप्ड एट पार्टीज, हिज सिस्टर मेक्स दीस मार खान, आई मीन कम ऑन, दे जस्ट देयर देयर। ग्रेट, व्हाट अबाउट जैकी भगनानी? जैकी भगनानी वासु भगनानी के बेटे हैं, बट उनकी सिर्फ इतनी ही आइडेंटिटी नहीं है बल्कि उनकी अपनी आइडेंटिटी है कि वो वासु भगनानी के बेटे हैं। और मैं उन्हें बिल्कुल सेलिब्रिटी नहीं मानता। आई एग्री विद यू सुबोध, जैकी भगनानी इज नॉट अ सेलिब्रिटी, बट आई वुड से ही इज अ सेलिब्रिटी इन मेकिंग। आई एम श्योर अगले 5-6 सालों में कम से कम 10-12 बार उनके डैडी उन्हें एज अ हीरो जरूर लॉन्च करेंगे। और उनके ऑप्टिमम यूसेज के लिए उनके आगे के जो दो दांत हैं, उनके डैडी उन पर पूजा फिल्म्स के होर्डिंग्स लगा सकते हैं। राहुल गांधी, ही इज डेफिनेटली द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन द कंट्री, द बिगेस्ट। और मैं उन्हें 5 स्टार्स दूंगा। स्टार्स। तुम्हें लगता है कि राहुल गांधी के सेलिब्रिटी स्टेटस से कांग्रेस को फायदा होगा सुबोध? ऑफ कोर्स, जब भी कांग्रेस हार जाएगी तो कांग्रेस वाले दिल खोल के कह सकते हैं कि लंगड़ा घोड़ा रेस नहीं जितवा सकता। प्रतीक? कौन प्रतीक? प्रतीक
स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे तीन चार फिल्में कर चुके हैं, उन्होंने अपने नाम में से बब्बर हटा दिया है प्रतीक। वेल प्रतीक प्रतीक सेलिब्रिटी है भी और नहीं भी, आई मीन इज एज गुड एज चंद्रचूड़ सिंह। हाँ, और इसका मतलब तो यही है कि प्रतीक का हाल भी चंद्रचूड़ सिंह जैसे ही है, मतलब उनको कोई रिबन काटने तक के लिए नहीं बुलाता। अश्मित पटेल, अश्मित पटेल सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन फिर भी मीडिया उनका चूज उनका यूज काफी अच्छे से कर रही है। कैसे? अब जब भी वीना मलिक फोन नहीं उठाती है मीडिया वाले अश्मित पटेल को फोन करते हैं और मुझे लगता है कि अश्मित पटेल का ऑप्टिमम यूजेज भी यही होगा। हाँ हाँ, थैंक्स जॉय मुलानी। पेमेंट किस चीज की बे? हमारी नॉलेज की और सेलिब्रिटी का ऑप्टिमम यूजेज बताने की सर्विस, उसकी पेमेंट। ओके, अरे भाई आई एम अ प्रोफेशनल रिव्यूअर। तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? देश के लिए कुछ करने की भावना कब जागेगी तुम में? देश, हूज दैट? सुबोध, द क्वेश्चन टू आस्क इज हूज सन इज दैट? देश। क्या मनोज? नो नो नो, देश देश इट कुड बी रिलेटेड टू मनोज कुमार जी और आई डोंट नो, आई जस्ट गूगल हिम, गूगल देश, आई एम देश, इट माइट शो इंडिया बट जस्ट फाइंड देश सन, नो देश इज सन, बट नो नो देश स्टार सन, देश फादर, देश 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 इज फादर विद अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी इन देयर, यस, या विलासराव देश मुख, रितेश देश मुख, जिनेलिया दे देश विथ अ देश सूजा Desh with Souza. Face. Janelia Desh Souza. I think she's changed her name from Janelia D'Souza to Janelia Desh Souza. ये तो क्या है, घटिया सेलिब्रिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, पर यहां अब होश उड़ाने आ रही है वीना मले। थाम के बैठिए, बैठे हैं ना तो उसी तरह बैठिए, रिमोट को बिल्कुल हाथ पर लगाइए, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जय हिंद। सब कॉन्टिनेंट की सबसे रंगीन और सबसे संगीन ब्यूटी वीना मलिक। क्या बात है, क्या बात है, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अमन के लिए लोग जो है वो डव्स उड़ाते, परिंदे उड़ाते, हमारे यहाँ पर वाकई में एक जीती जागती मिसाल बैठी हुई है वीना मलिक। तो वीना, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में चार फिल्म्स मुकम्मल हैं मेरे बॉलीवुड के। वन इज दाल में कुछ काला है, दूसरी फिल्म है जो नाम से कॉमेडी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कॉमेडी ट्रैक है। ओके, और एक और फिल्म है जिंदगी 50-50, एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर है वो फिल्म। और मुंबई 125 किलोमीटर्स इज द थर्ड मूवी जो कि 3D थ्रिलर हॉरर है, एंड आई हैव डन लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस इन द मूवी। और फोर्थ फिल्म अभी फीजी से कंप्लीट करके आई हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड सुपर मॉडल। एंड फिफ्थ फिल्म इज गोइंग टू बी ऑन द फ्लोर्स इन फ्यू डेज, चार पाँच दिन में, एंड दैट इज द डर्टी पिक्चर। डर्टी पिक्चर कौन सी भाषा में हो रही है? कन्नड़ा वर्जन। कन्नड़ा में हो रही है, क्या बात है। एंड यू गोइंग टू स्पीक कन्नड़ा? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मुझे कन्नड़ा सीखनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपकी आवाज़ को कोई और डब करता है तो वो मज़ा नहीं आता। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कन्नड़ा सीख पाऊँ, और क्योंकि 40 दिन का स्पेल होगा तो शायद उस दौरान सल्पा सल्पा थोड़ा सा। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी?
Not really. It's just happened to me. Mm-hmm. But yes, I still remember जब मैं 10 साल की थी तो तब से मैं अपने notebook के ऊपर मतलब आज से 5 साल पहले हाँ लगभग इतना ही लगभग इतना okay so मैं अपने notebook के ऊपर I used to draw these long lashes and high heels and my grandma used to ask me क्योंकि हम पंजाब में रहा करते थे तो मेरी grandma मुझसे पूछती थी आपने कहीं देखा ये सब मैं कहती थी नहीं तो ये क्या है मैं कहती थी हाई हील्स हैं और लॉन्ग लैशेज हैं रेड पाउटी लिप्स हैं तो आई डोंट नो मे बी अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैं शायद बनना चाहती हूँ बट आई हैव रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक एट द एज ऑफ 14 और 15 यही एक दो बस, साल बस, बिल्कुल आप पिछले साल की बात कर रही हैं तो तब मुझे पता चला कि मुझे लगता है कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर फैंटास्टिक आपकी ग्रैंडमा अगर कहीं से देख रही होंगी तो अब आपके लॉन्ग लैशेस भी देखेंगी और आपके जो 6 इंच इन्होंने हाई हील्स पहने प्लीज जरा दिखाइए हाँ बिल्कुल फैंटास्टिक एंड द पाउटी लिप्स ऑफ कोर्स शी इज गॉट एवरीथिंग टू बी अ हीरोइन फैंटास्टिक अच्छा ये बताइए वर्स्ट पिकअप लाइन क्या होगी किसी मर्द ने आपको देखकर यू नो कहाँ होगा ओहो जाने मन क्या कर रही हो आज शाम को टाइप्स कोई घटिया लाइन जो आपको लगता है कि यार क्या बोल रहा है उसे दो चमाट मारूं वेल वर्स्ट पिकअप लाइंस बहुत कम मैंने सुनने को मिली हमेशा बहुत ब्यूटीफुल पिकअप लाइंस ही मैंने सुनने को मुझे मिली हैं इस वक्त 2-3 तो मेरे जहन में आ रही हैं बोलिए लाइक इट वाज सो रैंडम बट इट वाज सो ब्यूटीफुल नॉर्मली इतनी थोड़ी सी तारीफ मुझे इंप्रेस करती नहीं है बट इट्स ओके बिकॉज एक शो में एक्स प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे अभी रिसेंटली तो उनको किसी ने पूछा कि होस्ट ने पूछा कि व्हाट यू थिंक ऑफ वीना मलिक एंड ही वाज लाइक वीना मलिक इज ब्यूटीफुल एंड मजे की बात यह है कि उनकी बीवी उनके साथ में बैठी थी बट दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई वाज लाइक ओह दैट्स इंटरेस्टिंग दैट्स सो क्यूट एंड वन मोर लाइन आई गेस प्रॉब्ली सलमान खान आस्क्ड अजय देवगन कि वीना मलिक आपको कैसी लगी तो बिकॉज आई लव अजय देवगन अ लॉट तो आई फाइंड इट रियली क्यूट एंड ही वाज लाइक कैसी लगी बहुत जोर से लगी दैट वाज इंटरेस्टिंग ओहो काजोल बगल में नहीं थी नहीं बट आई थिंक आई कैन चैलेंज काजोल ऑन दैट द डे आई एम गोना मीट अजय अगेन तो मैं उनको पता लूंगी क्या बात है फैंटास्टिक काजोल बीवेयर अच्छा किसी मोहतरमा ने आपको देखकर कोई ऐसा कमेंट छेड़ा बढ़िया ही लंबे टांगे वाली इस टाइप की कोई कमेंट पास किया बेशुमार बेशुमार एक्चुअली इस तरह की बातें तो आसपास में काफ़ी मैं सुनती रहती हूँ बट सरप्राइजिंगली मुझे जितने कमेंट्स आदमियों से मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे कमेंट्स लड़कियों से हमेशा अच्छा, मुझे क्या बात है वाह जरा कीप अप्रिशिएटिंग मी एंड एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड थी वो मुझसे कह रही थी कि इतने लड़के लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं जितनी लड़कियां लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल सो ढेर सारी ब्यूटीफुल लाइंस मुझे हमेशा लड़कियों से सुनने को मिलती है क्या बात है फैंटास्टिक लवली मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ जलती हैं लड़कियां तारीफ भी करती हैं है ना अच्छा आपके हिसाब से आज फिल्म इंडस्ट्री में सबसे हॉट हीरोइन कौन है हॉटेस्ट आई थिंक आई वुड से करीना कपूर She's beautiful, she's hot, she's elegant. I think I love her. All right. अच्छा मुंबई में आप अभी ये आपकी कर्म भूमि है मतलब जहाँ पर आप काम कर रही हैं आपका घर है रावलपिंडी में लाहौर में लेकिन मुझे हिंदुस्तान भी अपने घर के जैसा ही नहीं बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बन रहा हूँ मैं इनफैक्ट यही कहने जा रहा हूँ कि क्या क्या सिमिलैरिटीज लगती हैं आपको ऑनेस्टली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुछ ख़ास फ़र्क है नहीं मौसम कल्चर लोगों का जज्बाती होना दंगे फसाद मैच फिक्सिंग करप्शन सो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट दोनों मुल्क ज़्यादा तो मुझे कर लगा नहीं कि मैं लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा कि कंजर्वेटिव ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में आई थिंक कंजर्वेटिव्स आर एवरीवेयर वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं यूरोप में हैं अमेरिका में हैं बट यस पाकिस्तान में क्योंकि दो तरह के ग्रुप ही एग्जिस्ट करते हैं कंजर्वेटिव्स लिबरल्स सो आई एम द लिबरल वन फैंटास्टिक अच्छा आपके हिसाब से एक ideal man kaisa hona chahiye what's the definition of an ideal man according to you I think who makes a girl laugh a lot who makes a girl very happy and koi bhi aisa mard jiske sath rehke ladki khush reh sakti hai wo ideal mard hai mardon se kabhi ye sawal nahi pucha jata
आपके हिसाब से एक आइडियल वुमन कौन है? हाँ तो क्यों पूछेंगे ना, वो उनके नहीं, क्योंकि यानी इतनी औरतें नहीं मिलेंगी ना एक साथ. Oh my God. But कभी कभी मेरा दिल चाहता है, एक बात पे मैं मर्दों को बहुत एनवी करती हूँ, मुझे बहुत रश्क और जेलसी होती है कि काश सिर्फ एक सिचुएशन पे मुझे लगता है कि काश मैं मर्द होती कि वो कहीं भी खड़े होकर सुसु कर दे. नहीं, इससे भी बढ़ के एक और. Okay, बताइए. कि एक मर्द एक वक्त में चार औरतों से शादी कर सकता है, काश मैं मर्द होती. राइट राइट. लेकिन कितना मतलब ये अफसोस वाली बात है यार, आपसे एक नहीं संभली जा रही है, आप चार चार लेकर आ रहे हो. आई कैन हैंडल. यू कैन? फैंटास्टिक. काफी सारे मर्द पाकिस्तान में हैंडल करते हैं, अगर मैं मर्द होती तो मैं भी हैंडल कर सकती थी ना. हाँ, आपने बिग बॉस में भी कुछ हैंडल किया था. मैंने जिंदगी में काफी कुछ हैंडल किया है. ओके. अच्छा, आप जब से मुंबई आई हैं रहने, आपका पाला कभी रिक्शा वालों से पड़ा है या घर में जो काम करती है उस औरत से पड़ा है, मेड से पड़ा है? हाँ, बताइए बताइए, शेयर कीजिए. ये हम मुंबई वालों के बड़े दिल का करीब है ये. बट हमेशा मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे ही रहे हैं. अच्छे मुझे, रहे हैं? मुझे ट्रस्ट मी, अक्सर मेरी दोस्तों के साथ बात होती रहती है कि मेरे क्रिटिक्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और वो लोग जो कि हेट्रेड दिखाते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक एक भी लम्हा ऐसा याद नहीं है कि कोई शख्स मेरे सामने खड़ा हो और उसने मुझे प्रेज नहीं किया हो, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया हो, मुझे पसंद नहीं किया हो, मुझसे हंस के बात नहीं की हो. आई रियली वांट टू नो कि मेरे हेटर्स और क्रिटिक्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. मेरी ज़िंदगी में नहीं करते. सो रिक्शा, एक मरतबा ऐसा हुआ था जी, हिंदुस्तान में तो पाला नहीं पड़ा, पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा मुझे शूट पर बहुत जल्द पहुँचना था, टू सम हाउ मेरी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, शायद उसकी की मैंने कहीं रख दी और मुझे मिल नहीं रही थी. okay. तो मैंने कहा चलो चलो रिक्शा रोको और उसी में चलते हैं. बट आई थिंक रास्ते में हमने खूब गपशप लगाई, सब्जी के रेट पूछे, मिर्चे नमक के रेट पूछे, आजकल क्या चल रहा है, आपके घर में बत्ती आती है नहीं आती है. सो इट वॉज सो मच ऑफ फन. और मुझे लगता है कि तब मैंने सोचा था कि इट्स सो ब्यूटिफुल, आम लोगों के कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कि हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे घर में आज सब्जी क्या बनेगी. बट लुक एट अस, हम लोगों के कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं. आज ब्रेकअप हो गया, कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा, मेरा मेकअप क्रैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सारे लड़के मिल गए, किसको चूज करूँ, ओ माय गॉड मेरी पफिंग, ओ माय गॉड मेरी लैशेस निकल रही, ओ माय गॉड मेरा ड्रेस ठीक नहीं, कितने बड़े इश्यूज हैं. बिल्कुल बड़े इश्यूज हैं. ये क्या है, बिजली नहीं है और खाने को राशन नहीं है, ये थोड़ी कोई इश्यूज होते हैं? दीज आर सच ह्यूज इश्यूज वीना. अच्छा टेल मी, ये वीणा मलिक, ये बिल्कुल हिंदू नाम लगता है, तो ये इसके पीछे क्या है राज? यू आर राइट. मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं कि आप इंडियन हैं. आप आर यू रिलेटेड टू अनु मलिक? आई थिंक अनु मलिक इज रिलेटेड टू मी. ओह गॉड, आई डोंट नो. ऑल द बेस्ट. एनीवे, ऑल द बेस्ट अनु. हाँ जी बताइए, ये वीणा नाम जो है ना वो बिल्कुल मतलब. या इट इज. जब मैं पैदा हुई थी, क्योंकि मेरी दादी अम्मा ने मुझे पाला जी, तो 3-4 महीने के बाद मेरी ग्रैंड माँ ने कहा क्योंकि मैं इसको पाल रही हूँ तो इसको नाम मैं दूंगी एंड इनका नाम होगा जाहिदा मलिक. सो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे दिया था वीना मलिक. बट आई स्टिल आस्क माई मदर कि वीना, बिकॉज वीना जो था वो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे नाम दिया था. एंड आई डोंट नो, मे बी इट्स बिकॉज दिस कनेक्शन एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. लोग हमेशा मुझसे मेरे नाम के बारे में पूछते हैं. इट्स वेरी इंडियन नेम. इट्स वेरी इंडियन एंड ऐसे लगता है ना कि फिर आप हमारी ही लगती है. तो मैं हूँ ना. हाँ हाँ बिल्कुल. अच्छा अब हम औरतों की बात कर रहे हैं. औरतों तो की? हाँ हाँ, मतलब आपकी अभी और 3 नाम मैं लूँगा आपके सामने. एक है सोनिया, एक है मायावती, ममता और जयललिता. ये नाम सुने हैं आपने? जी काफ़ी टीवी चैनल्स पे सुनती रहती हूँ, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दैट. उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं. ये 4 हीरोइंस हैं इंडियन पॉलिटिक्स की जी. तो आपका कभी इनसे पाला पड़ा है, मतलब आपने कभी 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 मिलना हुआ है इनसे? नहीं, टेलीविजन पे काफ़ी मुलाकात होती रहती है. अच्छा. जैसे सब लोगों की होती है, बट इन पर्सन कभी नहीं. अच्छा है, टीवी अच्छा, पे मुलाकात रहनी चाहिए. बिल्कुल, इन लोगों से तो टीवी पर ही मुलाकात रहनी चाहिए. अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, इंडियन पॉलिटिशियन बताइए. अगर आप मुझसे किसी
हीरो के बारे में पूछते, किसी नहीं ऐसा होता ना कि भैया एक पॉलिटिशियन फेवरेट, एक जो जो मर्द सियासत करता है, सियासत मतलब सियासत, वो कैसे किसी का फेवरेट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए राहुल बाबा कि हाँ बड़ा क्यूट है, इज अ गुड लुकिंग मैन, हाँ एग्जैक्टली उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि उनके पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, हाँ उनके लुक्स के बारे में काफी कुछ पता है। वो तो यार भाड़ में मुझसे हमें कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, हमें तो भैया यहाँ पर जो पूछना है वो ये गुड लुक्स, बस गुड लुक्स, गुड लुक्स। एंड टेल अस समथिंग अबाउट दैट आईएसआई मार्क। ISI mark is ISI mark. नहीं, क्योंकि यहाँ पर होता है ना कि जो जो भी प्रोडक्ट आपके पास आता है वो देखिए ISI मार्क है कि नहीं, तो हम लोग ऐसा समझते हैं इंडिया में कि ISI मार्क होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो उसी तरह से ISI कहीं और कुछ और मतलब रखता है। तो बीच में आपके आपकी एक तस्वीर देखी थी जिस पर एक ISI का टैटू था, वॉट वॉज दैट, टेल अस। असल में यही हुआ था कि जो मैगजीन का शूट जिन लोगों ने किया था, हाँ, उन्होंने भी मुझे कुछ यही सुना के ट्रैप किया था कि ISI इज ISI वीनर जी, इट्स वेरी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शूट, एंड आई वाज लाइक ओके, बट लेटर ऑन जब वो कवर पे आया तो उसमें मेरे कपड़े ही नहीं थे, मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग शूट था आपने, मैंने कहा आई वाज हार्डली वेयरिंग अ बिकिनी, वो भी आपने उतार दी, इट्स सो बैड। ऑफ कोर्स इट वाज लाइक रियली सैड एंड अपसेटिंग फॉर मी, राइट नाउ आई एम मेकिंग फन ऑफ एवरीथिंग, बट लाइक इट वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस। Someone can morph your pictures and put it on the cover to make it look like altogether something different. It was horrible. Okay, what do you think about Rakhi Sawant and Poonam Pandey? I think nothing of them. You must have heard. I mostly name, right? think about guys. Okay, fantastic. Okay, अभी एक एक lie detector test होने वाला है यहाँ पर. Oh really? Please हाँ don't do that. I'm gonna fail that test. एक सवाल पूछ रहा हूँ। इतना सोच क्यों रहे हैं? नहीं सोच नहीं रहा हूँ, मैं जरा उसे थोड़ा कंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में था, लेकिन पूछ ही डालता हूँ ना। What do you think about sex? Sex is beautiful. Before marriage, after marriage? Whenever. Fantastic. आपकी favorite position कौन सी है? I don't mind any position as far as you are enjoying. Okay, that concludes this mind-blowing interview with Veena Malik. Thanks a lot, Veena. Thanks a ton for coming here. Pleasure. हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका फिल्मी करियर बहुत बहुत सक्सेसफुल हो और आपको मन की शांति मिले और आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री और हेल्दी हो. Thank you very much. इतने एक्साइटमेंट के बाद आई नीड अ गुड नाइट स्लीप. तुम भी जाओ और कितने वीडियोज देखोगे भाई, जाओ ना यार, सो जाओ. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, जय हिंद. It's a bad night.